हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसा। गाइस, आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल जो सलवार होती है हमारी उसकी कटिंग बताऊंगी दोस्तों, और बहुत ही आसान से तरीके और बहुत जल्दी मैं कटिंग करके दिखाऊंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमें सभी डिजाइन आते हैं, सभी हैवी सलवार आती है, बेल्ट की सलवार सब कुछ आता है, बट जो सबसे आसान चीज है यानी कि जो सिंपल सलवार है वो ही हमें नहीं आती। इसलिए मेरे पास कई बार कमेंट आ रहे थे कि मैं सिंपल सलवार की कटिंग बताऊं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो मेरा फैब्रिक है वो 2.25 मीटर के करीब है, और जो मैंने सलवार की लेंथ तैयार रखनी है वो 33 इंच तैयार रखनी है। लेंथ हमारी 33 इंच रहेगी, और जो इसकी मोहरी मैंने तैयार करनी है वो मैंने 6.5 इंच तैयार करनी है। हमें लगभग इन दो माप की ही जरूरत होती है सीधी सलवार में। एक आप आसन का भी हिसाब ले सकते हो, जैसे कि आसन आपने जो तैयार है वो 13 से लेकर 15 तक कितना हमने रखना है, ज्यादातर यही चलता है। तो आपको समझ आ गया, 33 हमने लेंथ लेनी है और जो मोहरी है वो 6.5 इंच लेनी है। आपको बता दूं, ये जो हमारा फैब्रिक है ये टेरिकोट का है। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो पल्ले हैं वो कट करेंगे। तो हमने इसको उल्टा करके इस तरह से डबल फोल्ड ऐसे बिछा लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसकी जो कान है वो निकाल लेनी है, इनकी हमारा तिरछा फैब्रिक होता है उसको सीधा कर लेना है। उसके बाद तो देखिए, सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम कैसे लेते हैं दोस्तों इसकी, जैसे कि 33 तैयार थी तो हम उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 35 हो गया। तो 35 पर मैंने यहां से निशान लगाया, और 35 पर हम यहाँ से भी निशान लगा लेंगे ताकि हमारी जो लाइन है ये सीधी हो जाए। उसके बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपने क्या अंतर दिखाई दिया इसमें, जैसे कि जो हम बेल्ट की सलवार तैयार करते हैं दोस्तों, उसमें हम 4 इंच बेल्ट का ऊपर माइनस करते हैं और फिर लेंथ का निशान लगाते हैं, बट इसमें हमने माइनस नहीं करना, इसमें हमने 2 इंच प्लस करना है, क्योंकि 1.5 इंच हमारा जो हम नेफा तैयार करेंगे उसमें जाएगा, और 1/2 इंच हमारा जो नीचे मोहरी तैयार करेंगे उसमें दबेगा। तो ये 2 इंच हमारा यहाँ कवर होएगा, इसलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 33 थी तो 35 हमने लेंथ ले ली है। अब इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे। ये देखिए, जैसे कि हमने इसको अलग कर लिया है, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोस्तों, हमने कितने चौड़े जो पल्ले हैं वो लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यानी कि आप जितना भी मोहरी रखना चाहो, जैसे कि आपने अगर कलियां नीचे तक ज्वाइंट करनी है तो आप पल्ले कम ले सकते हो चौड़ाई, और अगर कलियां हमने ऊपर या फिर बिल्कुल पास में टच करनी है, तो जैसे कि मोहरी हमने 6.5 लेनी है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। मैंने 8 इंच चौड़े इसके पल्ले लिए हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। जो साइड में हमारा फैब्रिक बचा है उसको हम मोहरी में यूज करेंगे, जो हम मोहरी तैयार करेंगे उसमें इस फैब्रिक को यूज कर लेंगे। तो इसको एक बार हम साइड में कर देते हैं। जो फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा बच गया उसमें से हम कलिया कट करेंगे। तो कलिया, अगर ज्यादा कपड़ा हमारे पास है तो हम ओपन में भी कर सकते हैं, अगर हमें ज्यादा ही हैवी सलवार बनानी है तो। बट इसमें क्या होता है दोस्तों, ये चुन्नट इसमें डलती नहीं है, इसलिए ये ज्यादा हैवी अच्छी भी नहीं लगती, तो हम इसे नॉर्मल ही बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए, जैसे कि 35 पर हमने फिर से निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने 35 पर निशान लगाया, और यहाँ से हम एक साइड से आसन निकाल लेंगे। इनके जैसे हमने जितना भी आसन तैयार रखना है हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इनके मैंने 13 इंच आसन तैयार रखना है तो मैंने 15 इंच पर निशान लगाया, 1/2 इंच हमारा यहाँ पर दबेगा, और जो 1.5 इंच है हमारा वो नेफे में जाएगा, तो हमारा टोटल है जो वो 13 इंच तैयार आसन रह जाएगा। तो जितना भी अपने तैयार रखना है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना। और वैसे भी बता दूं मैं दोस्तों, आसन हमारा जो सीधी सलवार होती है उसका 13 इंच से 16 इंच तक हम ले सकते हैं, तो आप साइज के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे लाइन इस तरह से लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। और जैसे एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई बार क्या होता है हमारा फैब्रिक और भी कम होता है। मान लो हमारा फैब्रिक यहाँ से इतना ही बचा है, इसमें तो ज्यादा एक्स्ट्रा है, अगर इतना ही फैब्रिक बचा है तो हमारा आसन यहाँ से तो हम पहले ले लेंगे, बट यहाँ से हमारा आसन तैयार नहीं होएगा,
तो उसमें हमने क्या करना है, एक बार जैसे ही हम लंबाई मापे तो उसमें हमने चेक कर लेना है हमारा आगे कितना कपड़ा रह गया है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से जैसे लंबाई लेंगे 35, यहाँ से 35 पर निशान लगा करके और इस साइड से भी हम 35 पर निशान लगा देंगे, जैसे कि यहाँ से भी हम 35 पर निशान लगा देंगे दोस्तों। फिर हम इसको आपस में मिलाएंगे और उसका आसन फिर हम यहाँ से लेंगे, यानी कि वो हल्की सलवार बन जाएगी, बट उसका आसन हमें अलग से निकालना पड़ेगा। कहीं आप ये गलती कर दो, पहले ये आसन ले दो, दूसरे आसन के लिए हमारे पास फैब्रिक ही ना हो, फिर आप सोचो कि मैंने बताया था, तो ये गलती प्लीज मत करना। तो जैसे इसमें फैब्रिक ज्यादा है तो हम एक आसन एक साइड से निकाल लेते हैं और यहाँ से इसको ऐसे निशान लगा करके यहाँ से हम एक बार इसको कट कर लेंगे दो कलियों को। तो देखिए जैसे कि मैंने दो कलियां कट कर ली हैं, अब हम इनको ऐसे उठाएंगे और ऐसे इनके ऊपर दो कलियों के ऊपर और रखते हुए हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से भी इसको कट कर देंगे, तो हमारी चार कलियां तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ से भी इनको कट कर लिया है, अब हम यहाँ से कट कर देंगे जो हमारा ये ज्वाइंट हिस्सा था, और यहाँ से भी हमारा जो बंद हिस्सा है इसको भी हमने कट कर लेना है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने जब हम इनकी स्टिचिंग करें तो सबसे पहले हमने जो इसके पल्ले तैयार करने हैं वो कली के साथ ऐसे जोड़ देने हैं। सबसे पहले हम पल्ले कली के साथ जोड़ लेंगे, उसके बाद आसन तैयार कर लेंगे, फिर हम नेफा तैयार करेंगे और उसके बाद हमने मोहरी तैयार कर लेनी है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल और जल्दी तैयार होती है, और जो सिंपल सलवार पहनना पसंद करता है उसको सिर्फ यही पसंद आती है। तो अगर आपको भी सिंपल सलवार सीखनी थी या अगर जरा सी भी समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।